हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बॉस सिमुलेटर इंडोनेशिया। सो गाइस, आज आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक खुला जगह में हूँ और मेरे आसपास कोई भी गाड़ी नहीं है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आज पैदल ही ट्रैवल करने वाले हैं या पैदल ही जाने वाले हैं। तो ये जो आप लोग सोच रहे होंगे, ये बहुत मतलब पूरा का पूरा गलत है। क्योंकि गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो में फॉर्च्यूनर कार लेके आऊँगा। तो गाइस, मैं आज फॉर्च्यूनर कार लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कोई फॉर्च्यूनर कार नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक कोई कार नहीं है। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ कार है। तो चलिए मेरे साथ। वो देखिए गाइस, वहाँ सामने एक वाइट कलर की कार दिख रही है, तो वही है हमारी फॉर्च्यूनर कार। चलिए मैं आप लोगों को पास से रिव्यू कराता हूँ। तो गाइस, ये है हमारा ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर कार। ये देखिए, मैं साइड से भी दिखा दे रहा हूँ और सामने से भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा यहाँ भी साइड से भी दिखा दे रहा हूँ, पीछे भी दिखा दे रहा हूँ आपको। और अगर हम लोग सामने से देखें तो ये देखिए, इधर टोयोटा का लोगो लगा हुआ है। तो ये टोयोटा का फॉर्च्यूनर कार है, ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर कार टोयोटा कंपनी की। ये देखिए, और पीछे भी टोयोटा का लोगो दिया हुआ है और एक वाइपर भी दिया हुआ है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वाइपर है, ये पूरा का पूरा वर्केबल है। ठीक है, तो गाइस अब हम बिना देरी किए अभी इसका इंटीरियर भी देखेंगे। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी जो है, आज अपन जाने वाले हैं मलंग टू सुरबाया, जिसका डिस्टेंस है 95 किलोमीटर। ठीक है, 95 किलोमीटर है जिसका डिस्टेंस हम आज जाने वाले हैं उधर। तो चलिए फिर अपन कार में बैठते हैं। ये देखिए, हम कार में बैठ चुके हैं और ये आ गए हैं, हम अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, अंदर ऐसा लुक आता है अपना फॉर्च्यूनर कार का। ये देखिए, पूरा का पूरा स्टेयरिंग भी रियलिस्टिक दिया हुआ है, स्टेयरिंग में भी टोयोटा का लोगो लगा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा स्मूथली वर्क करता है। इधर एक मैप भी दिया हुआ है जिससे कि हम रास्ता देख सकते हैं। और ये देखिए, पूरा का पूरा वर्केबल है ये। इधर देखिए, इंडिकेटर देने से इधर इंडिकेटर देने से अपना इंडिकेटर भी ब्लिंक करता है। और यहाँ ये इंडिकेटर भी ब्लिंक करता है, और ये अगर ये भी ब्लिंक करता है अपना, और लाइट दे तो लाइट भी पूरा ये देता है। और ये देखिए, ये भी वर्केबल है, सब वर्केबल है। और ये देखिए, ये अपना स्पीडोमीटर जो है, ये भी वर्केबल है। और इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि हमारा गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर कार, वो कितना स्मूथ है, कितना मतलब इसका जो स्टेयरिंग है वो कितना स्मूथ है। जहाँ चाहे वहाँ ये मुड़ जाता है और ये मुड़ जाता है। ये पूरा का पूरा पावर स्टेयरिंग है। ठीक है, चलिए, ये बच्चों के भी जो इच्छा है उसे पूरा कर देते हैं। इधर अपना है, सिग्नल है।
गाइस ये जो है, ये बच्चे जो है ये बोलते हैं कि ओम टेलोलेट ओम, ओम टेलोलेट ओम, जिसका मतलब है, सॉरी इधर भी सिग्नल है, तो गाइस जिसका मतलब है कि अंकल हाँ की और हॉर्न अंकल। तो गाइस आप देखे होंगे कि मैं जब पहली बार ये जो हॉर्न को हंक करता हूँ, ये देखिए ये जैसे, तो ये बच्चे ये शांत नहीं होते हैं, फिर से बोलते हैं। तो अब अपने को क्या करना होता है कि इसके अलावा हमको ये जो तीन हॉर्न दिए होते हैं इसको भी हंक करना होता है, जिससे ये शांत होते हैं। तो गाइस ये देखिए अपना फॉर्च्यूनर कार बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही मतलब बहुत 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 स्मूथ है, स्मूथली ये मूव करता है। ये देखिए जहाँ चाहे वहीं इसे आप मोड़ सकते हैं। तो गाइस मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप लोगों को मैं थोड़ी सी अंदर की भी जगह दिखाऊंगा, तो मैं आप लोगों को अभी दिखा दे रहा हूँ। देखिए कैंपुंग वो ये क्या लिखा है, कैंपुन वारना वर्न, तो ये एक सोसाइटी है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी नहीं बोलेंगे इसको अपन, हाँ एक सोसाइटी की तरह ही है। इधर घर है, इधर दुकान है, सभी है इधर। ये देखिए ये छोटी सी एक सोसाइटी है, ठीक है। ये अपन नीचे उतर कर अपन देख लेते हैं। ये देखिए इधर दुकानें हैं, इधर दुकानें हैं, इधर बारिकेट भी है, इधर देखिए इधर से, ये देखिए इधर खुफिया एक सीढ़ी भी है। मैं पूरा का पूरा सभी जो है सभी जगह आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इधर इधर भी सीढ़ी है, इधर भी सीढ़ी है, पूरा का पूरा देखिए ये पूरा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, पूरा मतलब मस्त जगह है। इधर ये अपने छपरे में चढ़ गए हैं हम लोग, और ये देखिए इधर इधर एक नदी भी है, ठीक है। ये नदी ये देखिए, और ये जो है इधर एक ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर होके हम लोग जाते हैं, लेकिन इस जगह को जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो अभी हम लोग इस जगह को देख लेते हैं, ठीक से। ये देखिए ये नदी पार होते ही अपन उस वाले जो है सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, सोसाइटी तो नहीं बोलेंगे, वो छोटा सा गांव जैसा है ये पूरा का पूरा इलाका, छोटा सा गांव है, तो गांव के गांव बोलते हैं इसको, गांव के उस पार अपन पहुंच जाते हैं। ये देखिए ये भी है, इधर इधर से उठकर आप ये ब्रिज के सहारे उस पार जा सकते हैं। ये इधर से देखिए यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ एक यहाँ सीढ़ी है, देखिए इधर से सीढ़ी होता है, ये सीढ़ी है और सीढ़ी पूरा उधर है, इधर से आप लोगों को सीढ़ी के सहारे उठना पड़ता है ये ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज के ऊपर से ही इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आपने देख लिया है, और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा जगह है जिसको कि हम घूम सकते हैं। इसका देखिए इस घर का बैरिकेड है इधर, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं अभी। देखिए ये देखिए इधर एक सीढ़ी से अपन उतर चुके हैं नीचे। तो गाइस ये भी एक घर है, घर के अंदर तो जाना फ़िलहाल अभी वेस्टर्न इंडोनेशिया का फीचर्स में नहीं है। तो ये देखिए ये हम लोग नदी में आ चुके हैं, देखिए पानी के पूरा अंदर हैं अपन, मैं आप लोगों को पानी के ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मैं जंप करता हूँ तो आता हूँ ऊपर। तो ये देखिए ये है एक रॉक है, मतलब पत्थर है ये, ठीक है। तो नदी के ऊपर कैसे जाएंगे अपन अभी, तो चलिए अपन नदी के अंदर तो आ चुके हैं, अभी नदी के अंदर ऊपर नहीं जा सकते हैं, फिर भी चलिए अपन सीधा अपने गाड़ी के पास आ चुके हैं। तो गाइस उधर आपने अंधेरे में दिखा था कि अपना गाड़ी कैसा दिखता है, तो गाइस अभी आप लोग इधर से देख लीजिए, पूरा लाइट से देख लीजिए। ये जो है ये फॉर्च्यूनर कार है, इधर पीछे देखिए इधर टोयोटा का लोगो लगा हुआ है, फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है, इधर ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर है।
ये कितना सीटर का है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये है 1 2 3 4 5 6 सीटर का है। इधर आप पीछे जो है आप 1 2 3 5 पीछे 3, सॉरी ठीक से काउंट करके बता दे रहा हूँ, पीछे 3 और ये बीच वाले में 3 और आगे 2, कितने हुए टोटल 8 जन इधर बैठ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी अपन चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने हो जाएगा, तो अभी हम लोग चलते हैं। तो इधर से अपन आए थे, तो इधर से अपन अभी चले भी जाते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए ये यही ब्रिज की बात मैं कर रहा था, इसी ब्रिज के ऊपर हम लोग अभी जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो है इधर ऊपर चढ़ा जा सकता है कि नहीं, ये जो है ये मॉल है, एटलीस्ट ऊपर हम लोग चढ़ सकते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा मैं भी नहीं जानता हूँ। तो इधर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि इधर ऊपर हम लोग चढ़ सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस नहीं, हम लोग इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये देखिए ये एक ढाबा ढाबा है, ये देखिए ये क्या लिखा है, ये देखिए नासी क्या क्या लिखा है, ये उल्टा लिखा है, तो सीडो मकनियुस क्या लिखा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, ये इंडोनेशिया की भाषा में लिखा है, ये उन लोगों को ही पता होगा। तो गाइस यहीं से अपन अभी एंटर होते हैं हाईवे में, ऐसे नहीं कुछ दूरी जाके इधर से हम लोग का मैप लोड होगा। ये देखिए मैप लोड हो रहा है, मैप लोड होते ही अभी हम लोग हाईवे में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके द्वारा अपने जो अगले वीडियो है वो भी आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच सके। ये देखिए मैंने बोला था हम लोग हाईवे में एंटर होने वाले हैं, तो हाईवे में आप हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए इधर सामने है एक टूल गेट, तो इधर हमको पैसे देकर जाना पड़ता है। तो ये हमने पैसे दे दिए हैं, गेट खुल चुकी है और हम चल रहे हैं। तो गाइस अभी अपन जो है सीधा जाने वाले हैं,
तो गाइस मैंने आपको बोला था कि हमारे जो वाइपर हैं वो बिल्कुल वर्केबल है, तो मैं अभी जो बारिश हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा वाइपर जो है बिल्कुल वर्केबल है, ये पूरा का पूरा पानी साफ कर रहा है। तो मैंने बोला था कि पीछे का भी जो है ये वर्केबल है, तो देखिए ये भी घूम रहा है, ये देखिए। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, मैं अभी जब जब भी मैं इस लाइट को ऑन करता हूँ तो इसके ऊपर जो है लाइट ये भी ऑन हो जाती है। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलाते हैं गाड़ी को। सामने जो भी गाड़ी आने वाला है हम उसको पूरा का पूरा टोक देने वाले हैं। ठीक है, गाइस जब भी हमको जहाँ आना था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाइस यहीं पे अपन एक थंबनेल ले लेते हैं। A few moments later. तो गाइस अपना थंबनेल लेकर हो गया है, तो अभी हम लोग आ गए हैं सुरबया। ठीक है, जहाँ हमको आना था वहाँ हम लोग आ चुके हैं। ये देखते हैं, ये अभी टर्मिनल टर्मिनल है, तो हमको जाना है इधर से राइट, तो राइट हमने घुमा लिया है। देखिए गाइस, यहाँ अपना जो है पेट्रोल टैंक है। इधर अपना सिग्नल है, रुको भैया जरा सबर करो। अच्छा ठीक है, आपको हम लोग रास्ता छोड़ देते हैं, चलिए जाइए आप। तो हमको जाना है सीधा, तो अब हम इंडिकेटर नहीं लगाते हैं, सीधा। हमें ये गेम प्ले के हिसाब से, मेरे हिसाब से गेम प्ले और मेरे हिसाब से
हमें लगा है 12 घंटे यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग मलंग से निकले थे तो सुबह सुबह हुआ था ना, लाइट था, और अभी शाम हो गई है, तो 12 घंटे शायद हमको लगे हैं। तो अभी टर्मिनल पहुंचने के बाद ही हमको पता चलेगा, जब उसका रिपोर्ट सब आएगा, कितना लगा, कितना स्पीड था, ये था वो था, जो भी था। ठीक है, कितना दूर है टर्मिनल, ये अपन पहुंच चुके हैं टर्मिनल। ठीक है गाइस, कहाँ गया ये टर्मिनल? हम लोग रास्ता भटक चुके हैं गाइस, तो यहीं से अपन घुसने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ घुस नहीं सकते हैं गाइस, हम यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारा प्लान हो गया है फ्लॉप। इधर से अपन को फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ जाना है भाई? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, कहाँ जाना है यहाँ? अच्छा अच्छा टर्मिनल के लिए जाना है, राइट राइट राइट। ठीक गाइस, यहाँ से अपन को जाना है। मैप के हिसाब से हम लोग सीधा चले गए थे, इधर से कितना दूर है? बहुत दूर है शायद, बहुत दूर। हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको यहाँ जाना है। हम लोग आज रास्ता भटक चुके हैं, पूरा पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। तो ये देखिए, ये अभी हम लोग टर्मिनल में पहुंच चुके हैं। तो गाइस वीडियो को प्लीज 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 लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके द्वारा अपने जो हमारी और भी जो नई वीडियो है वो आपके पास जल्द ही पहुंच सके। तो गाइस हमने तो अपना वादा निभाया कि फॉर्चून कार लेके आएंगे, तो आ गए हम लोग फॉर्चून कार लेके। तो गाइस प्लीज़ आप लोग भी अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, जिसके द्वारा सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो गाइस इसके हिसाब से जो हमारा ट्रैवल ड्यूरेशन है वो 126 मिनट 36 सेकेंड है, और एवरेज स्पीड है 1.3 किलोमीटर पर आवर, और जो है मैक्सिमम स्पीड है 176.9 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट करना मत भूलना, ताकि अपना जो है सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो गाइस मैं अगली वीडियो में भी अपने फॉर्चून कार लेके आऊँगा, और फिर आप लोगों को जो इसके अंदर दिया हुआ जो 3 एनिमेशन की उसका भी फंक्शन आप लोगों को ज़रूर 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 बताऊंगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल आज के लिए हमको अभी यहाँ हमको दीजिए इजाज़त, हम अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।